इस मॉड्यूल में हम क्लास पॉलिकीटा के फीडिंग और डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पॉलीटिक पॉलीकीटा में एक स्ट्रेट ट्यूब है और उसके साथ मेजेंट्रीज मौजूद हैं उसके साथ सेप्टम मौजूद है दीज आर मेजेंट्रीज सेप्टम दीज आर ऑल सस्पेंडेड इन द बॉडी कैविटी फिर इनके एंटीरियर एंड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पोस्टीरियर एंड है एंटीरियर एंड जो है

पेयर्ड जॉस मौजूद हैं जॉस जो हैं दे ओपन और उससे प्रे जो है बॉडी में एंटर होगा दिज आर यूज फॉर सीजिंग प्रे प्रीडेटरी पॉलिकट्स जो हैं दे मे नॉट लिव द बरो और कोरल क्रीविस वन देवर देर स्प्रे एंड इट अप्रोच द बरोइंग एनिलेट्स तो वर्म जो है दिस क्विकली एक्सटेंड इट्स एंटीरियर पोर्शन कि अपने इंटीरियर पोर्शन को एक्सटेंड कर लेगा प्रसिस बाहर आ जाएगा एंड दिस पुल्स द पे बैक इंटू द एंड दिस पुलज द प्रे फ्राम दरो कुछ पोलिकड्स के अंदर पॉइजनस ग्लैंड मौजूद होंगे दे प्रोड्यूस पॉइजनस सिक्रीशन और ये ग्लैंड कहाँ पर हैं दे आर एट द बेस ऑफ द जा इसके अलावा कुछ और पोलिक्ड्स ऐसे हैं जो कि हरबी वर्स हैं स्केवेंजर्स हैं they use their jaws for tearing the food deposit feeding polychaetes is my example hai have lugworm ki they normally extract the organic matter from the marine segment and then they will ingest it digestive tract jo hai iska that consists of pharynx or pharynx jo hai this will start from the proboscis फिर कुछ स्ट्रॉन्ग सैक है जिसको हम क्रॉप कहेंगे क्रॉप जो है दिस इज़ यूज फॉर ग्राइंडिंग गिजर्ड और इसके साथ है एक लॉन्ग इंटस्टाइन अब ये सारे के सारे दिज आर सिमिलर टू डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ अर्थवम ऑर्गेनिक मैटर जो है दिस इज डाइजस्टिड एक्स्ट्रा सेलुलरली और जो इन ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं दे आर पास्ड थ्रू द इंटस्टाइन और इनको अब हम कहेंगे कैस्टिंग्स मैनी सीडेंट्री और ट्यूब डिवेलविंग एनी जो हैं इनके एनिमल्स जो हैं पोलिकीड्स जो हैं दे आर फिल्टर फीडर आल्सो फ्रॉम दिस डायग्राम यू कैन से दैट इम्पॉर्टेंट इंटरनल फीचर्स दैट आर कंसर्न विद फीडिंग एंड डाइजेस्टिव सिस्टम दिस इज़ द माउथ दिस इज़ द पेरिस्टोनियम दिस इज़ द प्रोस्टोमियम माउथ इज़ लीडिंग इन टू द बकल कैविटी बकल कैविटी के बाद जो है दिस इज़ द फेरेंगस फेरेंगस के बाद दिस इज़ द एसोफेगस एसोफेगस के बाद जो है दिस इज़ क्रॉप क्रॉप जो है इसके बाद जो है दिस इज़ द इंटस्टाइन और ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है दिस इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए ट्यूब एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम एंटीरियर साइड वेयर माउथ इज प्रेजेंट एंड इट एंड्स एट द पोस्टीरियर साइड वेयर देर इज़ इंटस्टाइन एंड एनस this is also a structure gizzard gizzard crop these are structure that are used for grinding the food and uh, intestine say so nutrients on they will be reabsorbed into the circulating blood and uh, they, then they will act uh, will be absorbed all the nutrients will be absorbed by the blood circulating throughout the body and uh, extra food particles or waste they will be eliminated थ्रू द बॉडी आउटसाइड अभी हमने ये डायग्राम में देखा कि इनके अंदर स्पेशलाइज फीडिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद हैं कुछ ट्यूब डवेलर्स जिनको हम फैन वर्म्स कहेंगे इनके अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स भी मौजूद हो सकते हैं वो स्ट्रक्चर्स कौन से हैं रेडियोलीस रेडियो लीज जो हैं दे फॉर्म ऑफ फनल शेप्ड फैन फिर सीलिया जो हैं ये वाटर में सर्कुलेट करेंगे फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे ट्रैप करने के बाद दे विल पुश दिस इन टू द माउथ अब ट्रैप पार्टिकल्स दे विल बी एंटरिंग द बॉडी थ्रू द एग्जिटिंग रेडियोली फिर इसमें लार्जर फूड पार्टिकल्स दे विल बी रिजेक्टेड और फाइनस फूड पार्टिकल्स दे आर सर्कुलेटेड थ्रू द ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ डाइजेशन एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन इन फाइलम एनिलिट्स